कुंज भी तेरे सामने खड़ा है, कुंज भी तेरे सामने तार की तरह कर देगा तेरी किश्किंदा को उजार की तरह। खड़ा है तो खड़ा ही रह जाएगा, जब मेरे सामने आएगा उसी समय अपनी आधी ताकत गवाएगा, उसी ताकत से धुंध भी तू मारा जाएगा। ये देखो सुरूप ने खा की अभी वोल्ट के ऊपर एंट्री हो रही है। शुक्र है बच गया हूँ आज बारी पाप से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो दोस्तों आज की हमारी ये वाली वीडियो स्टार्ट हो रही है रात के 9:30 बजे। तो फिलहाल गाइस अभी आपका भाई धर्मानपुर बस स्टैंड पे आ गया है, तो अभी मैं जाऊंगा रामलीला देखने के लिए। तो अभी चलते हैं रामलीला क्लब में और अभी मैं भी रामलीला देखूंगा और आपको मैं रामलीला दिखाऊंगा। तो मिलते हैं सीधा रामलीला क्लब में। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस बसोली से हमारे धारमानपुर में जे भाई रामलीला देखने के लिए आए हैं। भाई क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। मजा आ रहा है देखने को? बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है भाई, या फिर किसी ने बात समझाई हो कि कहीं रामचंद्र जी किसी से सहायता लेकर मुझ पे चढ़ाई ना करते और मेरा हाथ मना करते, इसलिए उन्होंने सोचा होगा ये कांटा निकाल कर सुख की नींद सो जाऊं। सब है यही बात हो उसका ख्याल ऐसा भाई तो है। कुछ भय नहीं, मैं अभी जाता हूँ और उसकी सख्त लेके आता हूँ। आप अपनी तमाम फौज को तैयार करो और मेरे आने का इंतजार करो। अगर उसका दिल साफ है और हमें उनकी नेक नीति पर क्या ऐतराब है? जब तक जान में जान है, एक एक वीर का बच्चा आपके आशीर्वाद जी के कदमों कुर्बान है, आपकी आज्ञा का इंतजार है, जो हमारी फौज है और हमारी तलवार है। और किसकी क्षमता है और जो आपने शेर शाह की सुनाई है, इतनी फौजों की संख्या साफ बता रही है आप किसी न किसी भारी मोहराम पे जा रहे हैं। मित्रवर, ना किसी शत्रु पर चढ़ाई है और ना ही किसी बाहर के दुश्मन से लड़ाई है, वरना काल चक्र से बद की किस्मत चकराई है। स्वयं मेरी माता ने जे पाप का बीज बो दिया और मुझे दिन व दुनिया से खो दिया। मेरी गैर हाजिरी में भाई रामचंद्र जी को बनवास दिलाया और उनको वे गुना घर से निकाला। उन्होंने उधर बन की राह ली और इधर पिताजी ने स्वर्ग राह ली। कुदरत के बलियार रे, कुदरत के बलियार रे। किस संतान हो और इसलिए तुम मेरे प्राणों के प्राण हो। हाँ, मगर पिताजी का ये संबंध आपका कब से है? एक बार जब राक्षसों से उनकी लड़ाई हो रही थी और वो सख्त जख्मी थे तब से। शुक्र है बच गया हूँ आज बारी पाप से, वरना पुषहा सिल न खायूं व्यर्थ पैसा ताप से। शक तो मुझको हो गया था, है कोई ये राक्षस, शक तो मुझको हो गया था, है कोई ये राक्षस, चल गया हूँ आज बारी पाप से।
लक्ष्मण जी ने तो आपकी तरफ कदम बढ़ा ही लिया था, बल्कि तीर भी कमान पर चढ़ा लिया था, मगर परमेश्वर ने मुझे इस महान पाप से बचाना था, वरना ये अगर हत्या कर बैठता तो मेरा कहाँ ठिकाना था, और एक के बजाय हम तीनों का यही ढेर हो जाना था, और एक ही मौत में तीनों ने सो जाना था, मगर मेरे लिए इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था। मेरे साथ लक्ष्मण बिल्कुल शोक था, हम दोनों का यहाँ पे काल हो जाता और सीता बेचारी दर बदर ठोकरे खाकर परेशान होती, मगर भगवान का शुक्र है कि हम सब के सब सलामत रहे और इस घोर पाप से बच गए। ये देखो स्वरूप ने खा की अभी वोल्ट के ऊपर एंट्री हो रही है, नेक्स्ट लेवल एंट्री। ए लड़के गिराना मत मेरे को, पास रुक 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 रुक, चलो जाओ मैं तुमको शाम को फोन करती हूँ, मेरे को लेने आना ठीक है, ओके। एक तो रास्ते में बारिश बहुत पड़ रही थी, छाता लेके आई, अब मौसम साफ हो गया। क्या भाई अरे चिकने क्या देख रहा है, ब्याह करना है, देख तेरी दुल्हन तैयार बैठी है, आ जा बरात लेके, आ जा आ जा, खोल के आना चश्मा खोल के आना, चलो बहुत हुआ तो अब थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेते हैं, पहले बोल रही हूँ नजर मत लगाना कोई भी। अब थोड़ी सी मौज मस्ती हो जाए, थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं, तो चलो एक गाना हो जाए सभी के लिए। थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू छूट जावे, छम छम पायल घुंघरू बजने कर खुटमा। आज लगाना तो बहुत हो गया, अब थोड़ा और देख लेते हैं, क्या पता कोई मिल ही जाए रास्ते में। अजी आप कौन हैं, जरा अपना नाम तो बताएं। देवी मैं आप्तपति दशरथ के जाए और 14 साल के लिए अपने पिताजी के हुक्म से यहाँ बन के लिए आए। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्म पत्नी है। मेरा नाम राम है, कहिए आपको मुझसे क्या काम है, यदि अनुचित ना समझे तो आप भी अपना निवास स्थान पता बताइए और अपना शुभ नाम बताइए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ, खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप के नजीर हूँ, मेरे भाई हर और दूषण इस जगह रहते हैं और नाम लिहाज से मुझे शुभनगा कहते हैं। यदि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, उन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई, मगर ये बंदी किसी के हाथ नहीं आई। तो यहाँ इसलिए तशरीफ लाई, इसलिए क्योंकि तुमने शुभनगा दिल में जगह पाई। देखिए तुम्हारी ये पहली मेरी समझ में नहीं आई, देखने में तो अकलमंद मालूम होते हो मगर हो पूरे शदाई। अजी आप मेरे खाबित और मैं आपकी लुगाई, आपको समझे मेरे बाप के जमाई। जब तुम आशा से राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई तो हम फकीरों के लिए आपके दिल में कहाँ जगह पाई। तबीयत है जहाँ आई, फिर कौन सा राजा और कौन सी गदाई। अफसोस कि तुम्हारी ये अभिलाषा मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ लक्ष्मण जी अगर इस बात को मंजूर करे तो बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आप उनके पास जाएं और उन पर अपनी दिली मंशा बताएं। अजी इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में आपकी मोहब्बत का दम भरती थी, मैं काल का छोटा आदमी ना आदमी की शक्ल देख, मुझे भला यहाँ शादी करने की क्या जरूरत, जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुश नसीबी का भी क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृग नयनी उसकी तबीयत मुझ पर माइल हो गई और मेरे एक ही नेत्रबाण से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पालिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है, सुंदरता में तो निसंदेह तुम लाजवाब हो, तमाम जमाना तो क्या सारी खुदाई इसी में है। तो फिर किस बात की मनाही है। क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र मिट्टी खराब है। इसका मतलब आपकी तरफ से मुझे साफ जवाब है। हाँ आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजती है, एक महा और दूसरा महताज है, मगर वह कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे जाब है। मजाक करना तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी बेताब है। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं,
और खामखा परेशान कर रहे हैं। ये शोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों का इसको क्या ज्ञान है। वह तो कहते थे कि वह अलबेला जवान है, मगर अला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता है, इसकी बात सुनते ही दिल को तो दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर आप मेहरबानी करो और अपने फैसले को दोबारा नजरअंदाजी करो। संभव है कि तुमने उनके समक्ष कोई अंदाजा लगाने में गलती खाई है और उन्हें तुझे अजमाने के लिए नई निमत चलाई है। यदि तू सती है तो लक्ष्मण भी यति है। अजी काहे का यति, वह जितना बदशकल है उससे बढ़कर तो मूड मती है। अब तो मुझे आप ऐसे यूं ही फरेब देते हैं, श्रुप लगा के ये कोमल हाथ इसी गर्दन पर जचते हैं। जरा पीछे हट, ये हाथापाई किसी और के साथ कर और जरा मुँह से बात कर। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं, फूल ही तो लिया है आपके लिए, ले लो जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर है जो सीने में चुभ जाएंगे। यदि कोई सलाह है तो बता दीजिए। मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी ना सिर्फ शादी हुई है बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे समक्ष खड़ी है। शादी हुई तो क्या हुआ, राजे महाराजे कई शादियाँ करते हैं। ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, मैं तो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल दाल ना गलेगी। क्यों रे बेहया, तुझको शर्म नहीं आती जो भैंसियों की तरह जंगल में फिर रही है। मालूम होता है कि तू सिर चढ़ रही है। ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामखा मेरे गले पड़ रही है। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है सुरूपनखा की दिल से शरारत टपक रही है। मेरा पीछा छोड़ा, अब सीता के पीछे पड़ रही है। जब तक ये अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहया बदकार, शरीर बेगैरत और बेशर्मी की तस्वीर, अब तो हमको अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और हमें इस तरीके से फंसाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज होने पर भी जबकि गैर मर्दों के साथ उनके साथ साज बाज करती है और बड़े फखर से रावण की बहन होने का नाच भरती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाकर अपनी मकारी के जाल फंसाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काएगी और तरह तरह के बहाने बनाएगी। अगर जब वह पूछेगा कि तू वहाँ क्यों गई थी तो फिर क्या बताएगी। शायद वह तेरी इन बातों को जाने और तेरा ये कहना माने, इसलिए मैं तुझे कुछ नसीबी का प्रमाण पत्र देता हूँ ताकि उसे अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए और तेरी कारगिर्दी का प्रमाण पत्र तुझे मिल जाए। ये क्या करने लगे हो, ये कौन से सर्टिफिकेट में दस्तखत करने लगे हो। नाम का एक राक्षस आया है और उसने पूरी कशकंदा में हाहाकार मचाया है और पूरी कशकंदा को उजाड़ दिया है। क्या कहा, दुंदुभि नाम का राक्षस। हाँ महाराज, दुंदुभि नाम का राक्षस। क्या उसको यह मौत खींच के लाई है। लगता तो ऐसे है कि उसकी मौत जहां लाई है। कल मैं गया था वो भाग गया था, आज आएगा, मैं और करतार उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे तो आपको हर समय इजाजत है। तो ठीक है फिर, अगर आएगा तो फिर वो जिंदा जाने नहीं पाएगा। ओ पाली बाहर निकल, चल रहा है तेरा पाप का नहीं, इसे वापिस लौटा दे, नहीं तो मेरे साथ शूट कर। बिल्कुल सही फरमाया, जे राज तेरे
ही बाप का था, परंतु मैंने इसे बलपूर्वक जीता था। खड़ा है तुंत भी तेरे सामने, खड़ा है तुंत भी तेरे सामने, तार की तरह कर देगा तेरी किश्किंदा को उजार की तरह। खड़ा है तो खड़ा ही रह जाएगा, जब मेरे सामने आएगा उसी समय अपनी आधी ताकत गवाएगा, उसी ताकत से धुंधवी तू मारा जाएगा। जिस तरह सागर को कोई सुखा नहीं सकता, जिस तरह सागर को कोई सुखा नहीं सकता, धरती आसमान को कोई हिला नहीं सकता, उस तरह है पाली इस धुंधवी को कोई मिटा नहीं सकता। अरे धुंधवी जो चढ़ा एक दिन आकाश को, जो चढ़ा एक दिन आकाश में, फिर गिरा है गार में, सच बता किसका दबदबा है इस संसार में। खड़ा है धुंधवी तेरे सामने, खड़ा है धुंधवी तेरे सामने, भ्रम अपना मिटा ले तू, उसे भी बुला ले तू। अरे तू आया किस भरोसे, अरे तू आया किस भरोसे, नीचा मुझको दिखाने को, मेरे किसकंदा के मंत्री ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। बहुत हो गया। तारा तारा ले अंगद ले, ना समझे सुग्रीव, चला जा जहां से, अरे पत्नीज। अरे धुंधवी तेरी ना कोई शक्ल है ना कोई सूरत, आज तू बाली के सामने आया, तू है बहुत बड़ा मूर्ख। नादानी शो नादान, नादानी शो नादान, तू मुझसे करता है, तू भी बहुत बड़ा है, जमाना जिससे डरता है। चल बहुत होगी बातें, अब रात की भी और इकरार की भी, जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। नदियों को किनारे मिल जाते हैं, नदियों को किनारे मिल जाते हैं, बेसारों को सहारे मिल जाते हैं। कौन कहता है दुनिया में दुश्मन नहीं मिलते, अरे कुछ दुश्मन ऐसे मिलते हैं जो चार से प्यारे बन जाते हैं। कहानी का चिंगारी आ गई थी या फिर मेरा तू पानी
नहीं जानता। समाज में जुल्म करने वालों को, समाज में जुल्म करने वालों को रखी सजा मैंने सुनी है। उस रावण जैसे योद्धा को 6 महीने कैद रखा था मैंने, फिर तू किस बात की मूड़ी है? तुझे तो अपनों ने लूटा, तुझे तो अपनों ने लूटा, तारों में कहा दम था, तेरी कश्ती डूबी वहां, चाह पानी बहुत कम था, पानी कम था तो मेरे पास आता, उसी समय मैं अंकु को बुलाता और होश पे लेकर तुझे अच्छी तरह नहलाता। हाथ में कंजर ही नहीं, हाथ में कंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ओ पाली, मुझे लड़ने के लिए दुश्मन कांड आनी चाहिए। जाओ और इस पक्ष का खात्मा करके आओ। आप इसी जगह 6 महीने तक मेरा इंतजार करना। अगर दूध की धार आई तो समझ लेना धुंधवी मारा गया, अगर खून की धार आई तो समझ लेना बाली मारा गया। जो आ गया राधा श्री बाली धुंधवी बाली, आज मैं तेरा खात्मा करके बाहर जाऊंगा। बाली मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धुंधवी बाली, गुफा से खून की धार आ रही, मुझे लगता है भाई बाली का वध हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस गुफा को ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो दानव सबको मार देगा। मार देगा। एक बार बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम। ठीक है, चलिए महाराज, आप मेहरबानी करके राजपाट का काम कीजिए ताकि कस्कंदा का राज बस दस्तूर जारी रहे। मैं ये कार्य नहीं कर सकता। क्यों महाराज? इसका हक वो मेरे बड़े भाई जी का था। महाराज अंगदा भी छोटा है, वो राजपाट का काम नहीं कर सकता। आप या तो उसको युवराज घोषित कीजिए और जब तक वो राज के काबिल ना हो जाए तब तक उसका आप साथ दीजिए। भाई सक्रिय, ये क्या लगा दिया तूने? गुफा का द्वार क्यों बंद कर दिया? भाई 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 महाराज
भाई ये गुफा का द्वार क्यों बंद कर दिया? बाईस ग्रेड तुझे मैं द्वार पर खड़ा कर गया था, तू कहां मर गया भाई? मैं वापिस आ गया। मुझे जिंदा देखकर तू काफी बेचारे चकित हो रहा है, अब हाथ से राज पार जाता दिखाई दे रहा है। भैया मैंने ये राज अपनी मर्जी से नहीं लिया है, बल्कि मंत्रियों और पूर्ववासियों ने मिलकर मुझे इस राज सिंहासन पर बिठाया है, इसलिए कि कोई शत्रु राज्य रखित देकर कोई आक्रमण न कर दे। ये राज्य आपका है भैया और ये आपकी ही धरोहर है, मैं तो आपका आज भी वही सेवक हूँ भैया। अरे विश्वासघाती, अब ऐसी चिकनी चुपी बातें कर तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो, मैं से गुफा के द्वार के बाहर खड़ा कर गया था ताकि मैं गुंदवी का खात्मा करूं और तुम इस गुफा के बाहर पहरा देना ताकि कोई राक्षस उस गुफा के अंदर ना जा सके, मगर इस पापी ने बजाय मेरे हमदर्दी के उस गुफा का द्वार ही बंद कर दिया। अब ये माफी का लायक नहीं है, मेरे जाने के बाद मेरा ये राजपाट भी संभाल लिया। मैंने इसे ये बोलकर बोला था कि मैंने आने तक इसी जगह पहरा देना, मैं मायावी दानव बुंदवी का खात्मा करके नहीं आता, तो आप वहीं खड़े रहना ताकि कोई राक्षस उसकी सहायता ना कर सके। परंतु इसने देशद्रोह किया है, मेरी रक्षा करने की बजाय इस दुष्ट ने उस कुंद्रा का मुंह ही बंद कर दिया और इसने बहुत बड़ी शिला उसके पैर रख दी और अवसर पाकर और मेरा राज ग्रहण कर लिया। इसने अपने भाई राजा के साथ विद्रोह करके मृत्यु का दंड पा लिया, अब मैं इसका वध कर दूं तो लोग मुझ पर थूकेंगे। नहीं नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है महाराज, ये सत्य नहीं है महाराज, क्षमा करे। मैं उतरी रुका रहा और गुफा से खून की धार निकली तो मैंने सोचा कि उस दुष्ट ने भाई का वध कर दिया है, इसलिए मैंने शिला रख दी वहाँ पे, अपनी और नगरवासियों की जान बचाकर वापस किष्कंधा आ गया। क्या तुझे बाली की ताकत का अंदाजा नहीं था? क्षमा करें भ्राता जी। नहीं भाई, तूने काम ही ऐसा किया है, तू क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा करें, तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा महाराज, तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गरीब का कोई आदम पता महाराज, मेरी दूर अंदेशी यही कहती है कि बहुत देखिए ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव जी अपनी जान बचाकर छुपे हैं। तो हम ऋषि मुख पर्वत के पास जाते। चलिए महाराज। भाई तू जहाँ छुपा है, हाँ हाँ, ये मेरी ताकत को क्या हो गया जो इस पर्वत पे क्यों नहीं चढ़ सकता? हाँ जाद आया बाली को शराब था ऋषि मुख पर्वत पे जाने का, वरना तेरी क्या मजाल थी आज मेरे हाथ से जिंदा भाग पाने का। लेकिन याद रख, जब तू उस पर्वत से नीचे आएगा वो दिन तेरे लिए मौत का आखिरी दिन कहलाएगा, मैं इसी पर्वत के नीचे तेरे आने का इंतजार करूंगा। तो फाइनली गाइस सभी आपका भाई दहरमानपुर से वापिस अपने घर पे आ गया। तो आज के हमारे इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को आज का हमारा जी वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।